लगातार हो रही गर्मी से जहां दिल्ली एनसीआर झुलस रहा था, वहीं अब झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दे दी। हालांकि इस बारिश से दिल्ली और उससे सटे गाजियाबाद जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हुई झमाझम बारिश के बाद गाजियाबाद किलोनी इलाके का क्या हाल हो गया है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है। हाईवे की सड़क हो या स्कूल या फिर सबसे जरूरी अस्पताल, सब बारिश के बाद जलमग्न है। ये तस्वीर ईदगाह रोड की है, जहां ये महिला बच्चों को गोद में लेकर पानी से होते हुए सड़क पार कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर लोनी तिराहा स्थित लोनी इंटर कॉलेज की है, जहां से लोग इस बारिश में कोविड वैक्सीन का टीका लगवाकर जल भराव से निकल रहे हैं। अब हम आपको इस बारिश में लोनी के सबसे जरूरी कहे जाने वाले लोनी के CHC की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां थोड़ी सी बारिश के बाद जल भराव हो गया है और उस जल भराव में इलाज करने आए लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं। देखो भाई साहब, जब बारिश होती है जैसी आज हुई है, और जैसा कि मौसम विभाग ने पहले भी इत्तला कर रखा था लोगों को, लेकिन जो पानी की समस्या है, आप देख रहे हैं किस तरीके से माताएं हमारी आ रही है पानी में निकल के, और गाड़ियां भी आप देख रहे हो, और जल भराव का पूरी लोनी का समस्या है, ना कि सिर्फ इस कॉलोनी की। खन्ना नगर हो या मेन रोड हो, थाने के सामने हो, लोनी हॉस्पिटल हो, जल भराव होने के कारण लोगों का निकलना दुश्वार हो जाता है। लोगों के रोज़गार पर इसका एक फर्क पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरह दुकानों में पानी गया हुआ है। और मैं यहाँ के जो लोनी के जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस तरह विशेष ध्यान दें, ताकि लोनी में इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। बहरहाल बारिश ने भले ही गर्मी से लोगों को निजात दिला दी, लेकिन आने जाने वाले लोगों की उतनी ही परेशानी भी बढ़ा दी। वहीं नगर पालिका और नगर निगमों की भी पोल खोल कर रख दी है।